हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और भाई एयरपोर्ट में ब्रदर, व्हाट्स दैट ब्रदर? कंग्रेचुलेशंस, आप सबकी वजह से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। लो, डेली व्लॉगर तैयार और ढेर सारा पैसा आपके अकाउंट में। मेरी बहन को ये पसंद है, अपनी फैमिलीज को बेच रहे हैं सिर्फ पैसों की खातिर और व्यूज की खातिर। मैयत में जाकर रो रहा है और साथ व्लॉगिंग भी कर रहा है, तो फिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? और ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल भी है। अब ये यूजलेस कॉन्टेंट हमारे पाकिस्तानियों की लत बन चुकी है। जब एक इंटर पास लड़का दुनिया की हर आसाइश खरीद सकता है, अपने आप को इन लोगों के लिए मनी मेकिंग मशीन्स बनाया हुआ है, जो पैसा कमाने के चक्कर में हर तरह का गंद उठाकर अपलोड कर देते हैं। व्लॉगर्स सेलिंग देयर फैमिलीज ऑन YouTube। आप एक व्लॉगर की वीडियो ओपन करते हैं और वो कह रहा है, कंग्रेचुलेशंस, आप सबकी वजह से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। मतलब आप सबकी दुआओं की वजह से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। और कहीं पे कोई बता रहा है कि आज मेरे घर में ये पक रहा है, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी बहन को ये पसंद है, मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, और वो उस शादी का ढिंढोरा अपने व्लॉगर्स में पीट रही होती है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि डेली व्लॉगर्स अपनी फैमिलीज को बेच रहे हैं सिर्फ पैसों की खातिर और व्यूज की खातिर। डेली व्लॉगर्स और खास तौर पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल भी है। हमारी यूनिवर्सिटी आज तक कोई भी ऐसी डिग्री जनरेट नहीं कर पाई जिस डिग्री को करने के बाद इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सके जितना ये डेली व्लॉगर्स कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस डेली व्लॉगिंग की वजह से हमारे मुआशरे और हमारी पर्सनैलिटी पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, जिसके चलते हमने अपने मुआशरे में एक डेली व्लॉगर्स की खेप पैदा कर ली है, जो 4 साल के बच्चे से लेकर 40-50 साल के बंदे तक के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है कि डेली व्लॉगिंग करूंगा और ढेर सारे व्यूज आएंगे और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा और मैं ये सारी स्ट्रगल से निकल जाऊंगा जिसमें डिग्री से लेके जॉब एक्सपीरियंस से लेके अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने सारे ख्वाब पूरे करने पड़ेंगे, बजाय इसके कि मैं घूमूंगा फिरूंगा, कहीं खाना खाने जाऊंगा, अपने घर में वीडियोस बनाऊंगा और उनको कट्स लगाकर एडिट करूंगा, ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। लो, डेली व्लॉगर तैयार और ढेर सारा पैसा आपके अकाउंट में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेन मुद्दे से, जो था मास्टर प्लान यानी डेली व्लॉगिंग। वो टेक्निक जिसको यूज करके आम से आम भी सेलिब्रिटी बन चुका है और बगैर मेहनत किए आसान जरिया माश कमा रहा है। अब बजाहिर इनकी ये मेहनत हमारे लिए इंटरटेनमेंट है और आए दिन यूट्यूब का पेज स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे डेली व्लॉगर्स मिल जाएंगे, जो पैसा कमाने के चक्कर में हर तरह का गंद उठाकर अपलोड कर देते हैं, जो हमारे छोटे से छोटा बच्चा भी एक क्लिक पर एक्सेस कर सकता है। और ये इतना गंद है कि यहाँ तक के कई लोग अपनी मैटरनिटी जर्नी तक को अपलोड कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में यूट्यूब 2005 में आया था और अफसोस की बात यह है कि आज 2024 में भी हम इससे कोई भी फायदा नहीं उठा पाए। कहने को ये डेली व्लॉगर्स हर यूट्यूबर के गले की हड्डी है, जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, पर सच ये भी है कि अब ये यूजलेस कंटेंट हमारे पाकिस्तानियों की लत बन चुकी है, जो दूसरों के घरों में झांकने की आदत को प्रमोट कर रहे हैं। और माशाल्लाह से कुछ पाकिस्तानियों की नफ्सियात भी ऐसी है कि उनको ये चीज देखने में बहुत मजा आता है, और ये बयान कई एक्ट्रेसेस भी दे चुके हैं। इन डेली व्लॉगर्स को देखकर हमें वक्ती इंटरटेनमेंट मिल जाती है, पर क्या आपने रात को बिस्तर पर लेटते हुए ये नहीं सोचा कि यार, मेरी इतनी पढ़ाई का और इतनी मेहनत का क्या फायदा? जब एक इंटर पास लड़का दुनिया की हर आसाइश खरीद सकता है और वो भी बस एक 10 मिनट की वीडियो अपलोड करके। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर सोचता हूँ। और इसी सोच से असल कहानी शुरू होती है, जहाँ पे छोटे छोटे व्लॉगर्स पैदा हो जाते हैं, अपने आइडियल व्लॉगर्स को देखकर उनको कॉपी करते हैं। ये फैन व्लॉगर्स ये तो जानते हैं कि YouTube से पैसा कितना कमाया जा सकता है, और ये नहीं जानते कि इनके आइडियल व्लॉगर्स के महज एक लकी छक्का ही उन्हें फेमस कर गया था, और ये हसीन इत्तफाक मुश्किल से ही इन छोटे व्लॉगर्स की झोली में आएगा। अब पिछले दिनों सर्फिंग करते हुए YouTube पर मैंने कई ऐसे चैनल्स देखे जो गाँव देहात के लोगों ने बनाए थे। नो डाउट
उनका इनिशियल कंटेंट विलेज बेस्ड था और वो व्यूवर्स को अपने व्यूवर्स के मुताबिक कुछ ना कुछ नॉलेज भी देते हैं, पर इससे उन्हें वो फेम नहीं मिल सका जो इनके उन चैनल्स को मिला जिनको देखकर इन्होंने विलेज व्लॉगिंग शुरू की थी। और यूं मुख्तलिफ व्लॉगर्स की एक भरमार लग जाती है, कहीं किसी दुकान वाले ने व्लॉगिंग शुरू कर दी, कहीं किसी पेट्रोल पंप वाले ने व्लॉगिंग शुरू कर दी, किसी वाइफ ने डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी और अपने घर के मामलात को बीच बाजार में पीटना शुरू कर दिया। अब दोस्तों एक वक्त के लिए सोच कर देखें, अगर एक किसान खेती बाड़ी छोड़कर हाय गाइस की आवाज लगाता हुआ खेतों में दीवाना वार फिर रहा होगा तो मुल्क का एग्रीकल्चर कौन संभालेगा। अगर कोई 13-14 साल का बच्चा इस बात की टेंशन ले रहा है कि इसकी पहली वीडियो पर व्यूज बहुत कम आए हैं, इसके बजाय कि वो 9 और 10 के बोर्ड की तैयारी की फिक्र रखे, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को व्लॉगिस्तान का नाम ज्यादा सूट करेगा। अफसोस की बात तो ये है कि इस पैसे और गेम ने लोगों की बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसी बाउंड्रीज, प्राइवेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी हर चीज से दूर कर दिया है। अब लोग अपने मासूम बच्चों की वीडियोस भी यूं बनाकर अपलोड कर रहे हैं जैसे दुनिया में डार्क वेब और दरिंदा सिर्फ लोग मौजूद ही नहीं हैं। अब कोई अपनी प्रेगनेंसी और उसकी पूरी जर्नी, डॉक्टर के पास जाने से लेकर डिलीवरी तक की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, या फिर एक मैयत में जाकर रो रहा है और साथ व्लॉगिंग भी कर रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि वाओ दैट्स अ डेडिकेशन, नो इट्स नॉट, इट्स अ वल्गैरिटी। और इस्लाम में हया की अहमियत कोई ढकी छुपी नहीं है, जैसे कि सही बुखारी में हदीस नंबर 6120 में फरमाया गया है कि अगर तुम हया ना करो तो फिर जो चाहो करो। फिर दोस्तों दूसरा मुद्दा है कि ये लोग अपने घर के बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक के व्यू चोरों के लिए मैप की सूरत में यूट्यूब पर डाल के डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो फिर सलाम है उन लोगों को। और आप विटनेसेस भी हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे इन डेली व्लॉगर्स के घर में चोरियां भी हो चुकी हैं। अब डकी भाई मास ऑफ द एस्ट्रोलॉजी जैसे बड़े व्लॉगर्स खुद तो पैसे बना रहे हैं, अच्छा बिजनेस जमा कर चुके हैं और अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस गार्ड्स वगैरह सब रख सकते हैं, पर अपने पीछे जो ये लोग फैन व्लॉगर्स को खतरे में डाल चुके हैं उनका क्या। अब हर कोई अपने लिए तो गार्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल किसी ना किसी के दिल में शैतान जाग ही जाएगा। और हाँ, आज की इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं कि पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स ही ख़राब हैं, बहुत सारे अच्छे व्लॉग्स भी बना रहे हैं अपने बीवी बच्चों और अपनी फैमिली को दिखाए बिना। इनमें कई वेल एजुकेटेड और वेल लर्न और स्किलफुल लोग भी हैं, जैसे यूखानो, मोरो, शोरूम की स्केचबुक, रियलिटी टीवी जो कि एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, फूड फ्यूजन, और इन चैनल्स में मैं फ़खर से अपने चैनल का नाम भी ले सकता हूं। और मैं यहां पे ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान में एजुकेशन चैनल की कमी क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन चैनल्स को देखने वाले व्यूवर्स भी बहुत कम मौजूद हैं। अब ज़्यादातर आवाम व्लॉगिंग, रोस्टिंग या फिर दूसरों के घरों की स्टोरीज को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं जानता हूँ कि मैं इतने साल से अगर इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ बनिस्बत इसके मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया होता, तो मेरे आज सब्सक्राइबर्स, व्यूज, लाइक्स सब कुछ इससे बहुत ज्यादा होता। वापस टॉपिक पे आते हैं, बस यहाँ पे मैं आपको अपने चैनल में से एक डेटिंग ऐप वाली वीडियो जरूर रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो के बाद जाके वो लाजमी देखिएगा। अब दोस्तों ये लोग महीने में या हफ्तों में एक या दो वीडियोज डालते हैं, क्योंकि इनके लिए यूट्यूब जस्ट कट, एडिट एंड अपलोड नहीं है, बल्कि इनकी एक 10 मिनट की वीडियो को कंप्लीट करने के लिए 20-20 दिन तक की मेहनत लगती है। पॉइंट सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करने को कोई भी तैयार नहीं है और ना ही इसको कोई देखने के लिए तैयार है, बात सिर्फ मौके की है दोस्तों। ऐसे फारिग लोग जब व्यूज ले सकते हैं तो कुछ डिजर्विंग लोगों को भी बख्श दिया करो। आज पाकिस्तान में 4321 यूट्यूबर्स मौजूद हैं जिनके 500 के फॉलोअर्स मौजूद हैं। अब इस नंबर में वो यूट्यूबर्स या वो व्लॉगर्स ऐड नहीं हैं जिनको हम शौकिया व्लॉगर्स या छोटे यूट्यूबर्स के नाम से डिस्कस कर रहे हैं। इतने बड़े नंबर के बावजूद एक बात तो पक्की है कि इनमें क्वालिटी कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स नमक में आटे के बराबर हैं। एट द एंड बस यही कहूंगा कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च करके वीडियोस देखते हैं और खुदारा सच में खुद को इन व्लॉगर्स के एंटरटेनमेंट और मनी मेकर ना बनाएं। जब वक्त लगाकर कोई वीडियो देखें तो ये जरूर सोचें कि मैंने आज इसमें सीखा क्या है, वरना लड़ाई झगड़ा तो हम सबके बहन भाई बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसके लिए किसी और की वीडियोस देखने की क्या जरूरत है। इस तरह की एंटरटेनमेंट तो हमारे अपने घर में ही खत्म नहीं हो रही होती, मोबाइल से सर उठाने की देर है, इस तरह का कंटेंट तो हमें अपने घर में हर जगह मौजूद है। देखें उठ के मेरी माँ क्या बना रही है,
है, देखें उठ के आपकी सिस्टर क्या कर रही है, वाले साहब क्या कर रहे हैं, मेरा भाई किधर जा रहा है, आज घर में क्या आ रहा है, फुफ्फो ने क्या कह दिया, खाला ने क्या कह दिया। लेकिन आपने सिर्फ अपने आप को इन लोगों के लिए मनी मेकिंग मशीन्स बनाया हुआ है और ये लोग आपकी इसी वीकनेस का फायदा उठाकर अपनी वीडियोस में कहीं ना कहीं टाइटल ऐसा लगा देते हैं जिसपे पता है कि आप क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो जब भी कोई वीडियो देखें तो लर्निंग पर्पस से अपना टाइम निकाला करें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इसी तरह की न्यू वीडियोस बनाने के लिए। नहीं तो आप व्लॉगर्स को सपोर्ट करते रह जाएंगे और मेरी तरह के हजारों चैनल्स बनकर बंद हो जाएंगे सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि पाकिस्तान में एजुकेशनल कंटेंट को वैल्यू नहीं दी जाती। इन व्लॉगर्स के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।